కటాగ సంభ్రమ భ్రమన్ని లింప నిర్చరి విలోల వీచి వల్లరి విరాజమాన మూర్ధని ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम कौन है वो कहां से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैंने वादा करा था कि अगर टेस्ट मैच बहुत बढ़िया रहा तो मैं जरूर आऊंगा। हालांकि ठीक है, भारत को बहुत ही बड़ी 282 रन की जीत मिली और उसके लिए आपको अनेकों शुभकामनाएं, लेकिन मैच अच्छा देखने को हमें मिला, एक अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिला, एक अच्छी पिच पे देखने को मिला। बांग्लादेश ने भी थोड़ा अच्छा खेला कहना होगा। तो बात वही है कि भाई कहीं ना कहीं मैच कैसे इतना अच्छा रहा, इस बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत खराब रही और कहीं ना कहीं मैं बात करूं रोको हमारे नहीं चले इस मैच में, ये एक बड़ी मैं बात करूं डिसएडवांटेज रही। लेकिन इसके बावजूद भारत बड़े मार्जिन से जीता, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव भी है। इसके सिवा भी बात की जाए तो पहली इनिंग में राहुल भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन बड़ी बात क्या रही, टेस्ट के सबसे बड़े सुपरस्टार ऋषभ पंत ने 39 रन पहली इनिंग में बनाए और अच्छी उनकी पारी जा रही थी। साथ ही जायसवाल, मैंने आपको पहले ही कहा था, लगातार बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया की पिचों पर भी और बाहर तो करते ही हैं। और ब्रेडमैन के बाद फास्टेस्ट 1000 रन बना लेना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद लेकिन दोस्तों ये हुआ कि भारत 144 पे लगभग हो गया, लेकिन फिर बड़ी बात दोस्तों क्या रही, 199 रन की साझेदारी हुई। स्पिन टू विन हम इनको कहते हैं, लेकिन भाई ये तो मैं कहूंगा विन टू विन है। जी हाँ, क्योंकि इनसे आप स्पिन गेंदबाजी करवा लो, आप फील्डिंग करवा लो और आप बल्लेबाजी करवा लो, कुछ भी करवा लो। सर रविंद्र जडेजा 25 टोटल अर्धशतक, जिसमें 21 मैं बात करूँ अर्धशतक और 4 शतक हैं। और रविंद्र मैं बात करूँ, रविचंद्रन अश्विन की तो भाई क्या कहने, ये खिलाड़ी ही अलग है, इसकी बात ही अलग है। इसलिए तो मैं इतने साल से बात करता था, जरूर गौतम गंभीर कोच कहते हैं कि क्रेडिट नहीं मिलता रविचंद्रन अश्विन को, लेकिन हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो भाई मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि 14 लगभग उनके अर्धशतक हैं, 5 शतक थे और उसमें छठा इंक्लूड कर लिया। और इसी चेन्नई में आपको याद होगा 3 साल पहले लगाया था जो इंग्लैंड आया था, और मैं बात करूँ साथ में 5 विकेटें भी ली थी और इस बार भी वैसे ही रहा। तो इसकी बदौलत भारत 376 तक पहुंच गया। अच्छी बॉलिंग कहना होगा, मैं बात करूं हसन महमूद की, क्योंकि 5 विकेटें थी और तस्किन तो आपको पता ही, अच्छी गेंदबाज है, 3 विकेटें मिली। और रही बात दोस्तों अगर इसके बाद बात की जाए तो बांग्लादेश 149 पे आउट हो गया, जिसमें भी शाकिब और लिटन के कुछ 25 प्लस रन आए, शाकिब के 32 थे, लिटन के 28 थे। नहीं तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 40 पे 5 हैं, और ऐसी हमें भारतीय बॉलिंग से उम्मीद हो गई कि लगता है इतने रन भी कहीं ज्यादा तो नहीं हो गए। लेकिन अच्छी बात है कि चलो हम पे 227 की लीड थी। फॉलो ऑन आजकल कोई लेता नहीं, आपको मुझे कहने की बात नहीं है, तो भाई पक्की बात थी कि फॉलो तो नहीं होने वाला है। अब इसमें भी बड़ी बात क्या रही कि भाई अगली इनिंग में भारत ने पारी घोषित करी और वो भी लगभग 285 प्लस रन बनाए। इसमें भी मैं बात करूं, जायसवाल नहीं चले, रोको नहीं चले, लेकिन बड़ी बात क्या रही दोस्तों, दो बड़ी बातें रही। एक वापसी हुई, जैसा कि मैंने कहा यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत टेस्ट के वन ऑफ द मैं बात करूं ग्रेट्स पिछले 4-5 साल से, जिसमें 1.5 साल बंदे ने मिस करा, तब भी बेन स्टोक्स के और रोहित शर्मा के छक्कों से ज्यादा दूर नहीं है। और उसमें बड़ी बात क्या रही है दोस्तों, वो बहुत छक्के मार रहे हैं पिछले 1.5 साल से पीक में अपनी, दोनों रोहित शर्मा और बेन स्टोक्स कप्तान भिड़े थे आमने सामने, आपको याद होगा। तो बड़ी बात है दोस्तों कि अपने कैरियर का छठा शतक लगा देना, जिसमें 2 इंग्लैंड में आए थे, एट वेस्टर्न में, हेडिंगले में, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी की पारी याद आती है, साउथ अफ्रीका केप टाउन, कोलैप्स बचाया था अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी की तरह, चेन्नई टेस्ट वो याद आता है, अहमदाबाद का माफ कीजिएगा जब एंडरसन को स्वीप मारा था, कौन मार सकता है, आरपी मार सकते हैं, यंग टैलेंटेड मार सकते हैं। और अब इसके सिवा यहाँ पे भी शतक आया और एक शतक वनडे में भी है, और देख के दुख लगा कि 690s हैं, 97 93 92 91, के काश इन 6 के 6 नहीं, कम से कम 3-4 तो होते तो अभी 10 शतक होते, लेकिन कोई बात नहीं, 10 क्या 15-20 भी लगाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और बहुत ही अच्छा खेला, और कहते हैं ना फॉर जो हम हमेशा बात करते हैं, फॉर एवरी सेटबैक देयर इज ऑलवेज अ कमबैक, तो यही ऋषभ पंत ने भी करके दिखाया। और 1.5 साल से लगभग, या मैं बात करूं 1.5 साल से भी ज़्यादा, 1.5-2 साल से ये सारे इंडियन क्रिकेट फैंस इस कमबैक का इंतजार कर रहे थे। तो कहना होगा वेल डन आरपी, और साथ में कैच भी ली वो जो बहुत अच्छी शाकिब की, उसके लिए कहना होगा वेल डन यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत। अब बात हो रही यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत की, तो बात होगी दोस्तों हमारे यंग लाड की, जिसको हम कहते हैं प्रिंस। जी हाँ, शुभमन गिल, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, जो मैं पांडे के लिए भी कहता हूँ, इतना मजाक किसी का मत बनाया करो यार। आप पिछली 5 उसकी पारियाँ देखो, शतक जब 250 पे इंडिया आउट हो गया उसमें, 91 उसमें अर्धशतक, वो जो ध्रुव जुरेल के हाथ मैच जिताया था, 200 रन की मैं बात करूँ साझेदारी रोहित का, जिसमें शतक आया, और अब यहाँ फिर से शतक। ठीक है, T20 में उतना अच्छा नहीं खेलते, ठीक है वनडे में भाई वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं चले, लेकिन पिछले 1.5 साल में सबसे ज़्यादा रन है इनके वनडे में इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो यार बड़ी बात है। तो ऐसे ही नहीं इनको कहा जाता है, मैं बात करूँ यंग लाड शुभमन सेंसिबल गिल, बहुत ही अच्छी पारी खेली और 119 पे नाबाद गए।
राहुल की जरूर अपना है कि पहली पारी में अच्छी नहीं गई, लेकिन 22 रन या नाबाद बनाए, लेकिन रोहित को डिक्लेयर करना भी जरूरी था जो कि सही डिसीजन था। और ये तो अगर कल बैड लाइट नहीं आती तो बांग्लादेश कल ही हार जाता, तो हमने इंग्लैंड के करा। लेकिन दोस्तों बड़ी बात क्या रही, पिछले दो साल में सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं, या बात करूँ हमारे यंग लाड ने, जिसमें 12 शतक हैं। तो इतनी अच्छी पारियाँ खेलना भाई बहुत ही बड़ी बात है। अब इसके बाद दोस्तों क्या था, ज़रूर शेंटो ने अच्छी पारी खेली 82-86 रन की, लेकिन इसके बाद सब ढेर हो गए। और बड़ी बात दोस्तों क्या रही, बुमराह को विकेट मिली। अब मैं बॉलिंग की बात करूँ अगर पहली इनिंग में, तो सिराज को दो, अर्शदीप को दो, जडेजा को दो, और 4 विकेट ली हमारे जसप्रीत बुमराह ने, जिसमें 4 के साथ 400 विकेट भी हो गई पेसर्स में, जिसमें श्री कपिल देव जी की 687 हैं, जहीर की 590 के आसपास हैं, शांत की हैं, शमी के उनके दोस्त की 448 हैं। तो वेलकम टू द 400 क्लब जसप्रीत बुमराह, और अभी तो आपको बहुत आगे जाना है। और होम कंडीशंस में बुमराह इतना अच्छा कर रहे हैं, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैं बात करूँ हमने करा था, लेकिन कुछ क्रिकेट फैंस ने नहीं करा था, लेकिन भरोसा दिखाया था थैंक्स टू रवि भाई एंड विराट कोहली, और उसके बाद कहना होगा रोहित भाई एंड राहुल भाई, और अब साथ ही साथ जीजी को जो अपना पहला ही टेस्ट मैच जीत गए। तो मैनू मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जीजी, जरूर आप वनडे हार गए थे लेकिन T20 भी आप जीते और टेस्ट भी जीते, और अभी तो आपकी बेस्ट क्रिकेट बाकी है। अब इसके सिवा दूसरी इनिंग में बात की जाए तो एक विकेट फिर बुमराह को मिली, ओपनिंग उन्होंने करी क्योंकि अच्छी 60 रन की ओपनिंग हुई, नहीं तो कल ही आउट हो जाते। 3 जडेजा को मिली, और जहां भाई स्पिन का नामो निशान नहीं था वहां फिर 6 विकेटें ले ली, जिसने पहली इनिंग में 0 विकेटें ली थी, कितनी देर आप उसको दूर रख सकते हो, जिसने शतक लगाया था। मैन ऑफ द मैच रविचंद्रन रिलायबल अश्विन, 14 थे SRT भगवान के, 11 थे राहुल द्रविड़ के, 10 हैं विराट कोहली के, 10 हैं अनिल भाई कुंबले इनके गुरु के, तो अब 10 पे ये भी पहुंच गए, 10 तो मैन ऑफ द सीरीज इनकी है, और अभी तो आपको और आगे जाना है, 11 मैन ऑफ द सीरीज भी करनी है, और होपफुली SRT जिनके सबसे ज़्यादा 14 मैन ऑफ द मैच है टेस्ट क्रिकेट में, वहाँ तक भी आप पहुँचोगे अगर आप अगली WTC साइकिल में भी खेलते हो। और भाई क्यों नहीं खेलोगे, जब इतना अच्छा एक बंदा खेल रहा है जो रोहित ने भी कहा, तो फिर क्या 37-38, कम से कम मैं बात करूँ जब आप 40 के अगले WTC साइकिल तक हो गए, और होपफुली 2027 का फाइनल भी इंडिया में ही है, तो होपफुली आप वहाँ तक खेलो और इंडिया को जिताओ भी। लेकिन उससे पहले अपना ये है कि इनको भी हराओ, न्यूजीलैंड को भी हराओ, BGT में बाहर अच्छा करो, और WTC फाइनल में इंडिया को जिताओ बस। होपफुली आपको अब रोहित और मैं बात करूँ जी अपना फाइनल में खिलाएं, जी मैं आशा करता हूँ कि भाई अब तो अश्विन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, और बांग्लादेशी टाइगर्स को भी पता चल गया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है, इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहे थे, क्योंकि 282 रन की हार बहुत बड़ी हार होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना इस महीने की 8 वीडियो हो गई, अब 2 वीडियो और बची हैं, लगभग 8 दिनों में बात करूँ तो कुछ अलग टॉपिक पर मैं फिर से वापस वीडियो लेके आऊँगा। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंडिया ने बहुत ही अच्छा खेला, कहना होगा वेल डन टीम इंडिया। रो को जरूर ये बात है कि भाई कुछ अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन होपफुली कानपुर टेस्ट में करेंगे, जो कि मैं बात करूँ 27 सितंबर से। लेकिन यहाँ पे भी बड़ी बात करके 322 जीत विराट की हो गई है, जिसमें पॉन्टिंग की 377 है, और साथ ही साथ मैं बात करूँ 308 रोहित की हुई है SRT का रिकॉर्ड तोड़ा। तो होपफुली मैं बात करूँ रोहित भी सेकंड तक पहुँचे, और विराट तो भाई फर्स्ट आई हो, 55 जीत विराट को चाहिए, और अगले 3 साल में अगर इंडिया काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलता तो 55 मैच ही जीतेगा जो कि कहा जा रहा है, और होपफुली दोनों खेलेंगे, लेकिन इसके लिए अच्छा खेलना भी जरूरी है, जो मुझे लगता है ज़रूर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक और बहुत ही अच्छी वीडियो किसी और हमारे बड़े हीरोज के साथ, क्रिकेट से हटके भी, जैसा कि मैंने कहा था। जय हिंद, जय भारत।